नमस्ते फ्रेंड्स, क्या आप अपने सपनों को खुद ही रोक रहे हैं? द यूनिवर्स हैज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट रिस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी वी इमिट। जब हम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को अपने डिजायर्स के वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करते हैं, तो द यूनिवर्स उन्हें हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए कंस्पायर करता है। लेकिन अक्सर अननोइंगली हम ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं जो वीड्स की तरह काम करती हैं और उन सपनों को चोक कर देती हैं जिन्हें हम नरिश करना चाहते हैं। हम आज यहाँ इन वीड्स को आइडेंटिफाई और अपरूट करने के लिए हैं, ताकि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में अपना जादू चला सके। आर यू रेडी टू अनलॉक द पोटेंशियल विद इन एंड मैनिफेस्ट द लाइफ यू वर ऑलवेज मेंट टू लिव? Life is not merely a series of random events. यह हमारे inner world का reflection है। The law of attraction, एक universal principle जो time itself जितना ancient है, इस profound truth की बात करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक invisible force द्वारा खींची जाती है, वैसे ही हमारा जीवन हमारे द्वारा radiate की जाने वाली energy से shaped होता है। हर थॉट, हर इमोशन, हर डिजायर द यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन भेजता है और द यूनिवर्स अपनी इन्फिनिट विजडम काइंड से रिस्पॉन्ड करता है। एक स्टिल पॉन्ड की कल्पना करो। जब आप उसमें एक कंकड़ फेंकते हैं तो रिपल्स सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, जिससे उसकी ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह हमारे थॉट्स और इमोशंस एग्जिस्टेंस के फैब्रिक में रिपल्स पैदा करते हैं। पॉजिटिव Empowering thoughts, harmonious ripples create करते हैं, जो abundance, joy और fulfillment को attract करते हैं। Conversely, negative, limiting beliefs, discordant ripples generate करते हैं, जो obstacles, negativity और stagnation को attract करते हैं। The law of attraction कोई mystical concept नहीं है, ये nature का एक fundamental law है। जैसे ग्रेविटी भौतिक दुनिया को गवर्न करता है, वैसे ही द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जेटिक रेल्म को गवर्न करता है। और इस डांस में मास्टरिंग करने की ये समझने में निहित है कि हम केवल फेट के पपेट्स नहीं हैं, हम अपनी रियलिटी के कॉन्शियस क्रिएटर्स हैं। अपने थॉट्स के प्रति अवेयर बने, उन स्टोरीज को ऑब्जर्व करें जो आप खुद को सुनाते हैं, उन बिलीफ्स को ऑब्जर्व करें जिन्हें आप डियर मानते हैं। अगर हम ग्रेटिट्यूड, लव और अबंडेंस पर फोकस करना चूज करते हैं, तो हम अपने आप को इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया के लिए ओपन करते हैं। आइए हम लव, जॉय और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना चूज करें। आवर जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन अक्सर डीपली इनग्रेंड हैबिट्स द्वारा हिंडर होता है, जो हमारी ग्रोथ के लिए बैरियर्स का काम करते हैं। इन डेट्रीमेंटल हैबिट्स में से पहला है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम अक्सर अपने खुद के सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं, खुद पर सेल्फ डाउट, लिमिटिंग बिलीव्स और पेसिमिस्टिक प्रेडिक्शंस की बरसात करते रहते हैं। नेगेटिविटी का यह कॉन्स्टेंट बैराज एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, जो उन चीज़ों को ही रिपेल करता है जिन्हें हम डिज़ायर करते हैं। जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में एंगेज करते हैं, तो हम अपने सपनों को उस नरिशमेंट से स्टार्व कर देते हैं, जिसकी उन्हें फ्लरिश होने के लिए ज़रूरत होती है। दूसरी ड्रीम किलिंग हैबिट है पास्ट या फ्यूचर में ड्वेल करना। द प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे पास ट्रूली है। यही एकमात्र स्पेस है जहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ट्रूली लाइव कर सकते हैं। तीसरी और शायद सबसे इंसीडियस हैबिट है खुद को नेगेटिविटी से सराउंड करना। हमारा एनवायरनमेंट, हमारे थॉट्स, बिलीव्स और अल्टीमेटली हमारी रियलिटी को शेप करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये तीन हैबिट्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक, पास्ट या फ्यूचर में ड्वेल करना और खुद को नेगेटिविटी से सराउंड करना, वायरसेस की तरह है जो हमारे माइंड्स को इन्फेक्ट करते हैं और हमारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी को हिंडर करते हैं। आम तो नट माई सुमस
अपने माइंड को एक वास्ट बाउंडलेस स्काई के रूप में इमेजिन करें। अब अपने थॉट्स को इस एक्सपेंसिव कैनवस पर तैरते हुए क्लाउड्स के रूप में पिक्चर करें। कुछ क्लाउड्स लाइट और फ्लफी होते हैं जो जॉय और इंस्पिरेशन के मोमेंट्स लाते हैं। दूसरे डार्क और हैवी होते हैं जो वरी फियर या सेल्फ डाउट से लेडन होते हैं। जैसे पासिंग क्लाउड्स से स्काई की नेचर अनचेंज रहती है, वैसे ही आपके बीइंग का एसेंस भी आपके थॉट्स के कॉन्स्टेंट चैटर से अनटच्ड रहता है। द ह्यूमन माइंड अपने इंसेसेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स के साथ अक्सर एक केज की तरह फील कर सकता है। हम अपने ही मेंटल नैरेटिव्स में उलझ जाते हैं, उस पीस और स्टिलनेस को भूल जाते हैं जो हमारे विद इन रिजाइड करती है। लेकिन इस मेंटल क्लटर से ब्रेक फ्री होने और अपने इनर सेंचुरी को रिक्लेम करने का एक वे है, ये समझने के साथ शुरू होता है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, मेंटल एक्टिविटी के कांस्टेंट फ्लो के विटनेस हैं। जैसे आप बिना जजमेंट के क्लाउड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने थॉट्स को उनके इमोशनल करंट्स में बहे बिना ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन की यह प्रैक्टिस द मंकी माइंड को टेम करने की है। इस डिटैचमेंट को कल्टीवेट करने के लिए एक पावरफुल टेक्निक है माइंडफुलनेस। माइक समेर चाउश कि सन एम इज टीमिनन। एक कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में आए, अपनी आईज को क्लोज करें और अपने अटेंशन को अपनी ब्रेथ पर लाएं। जैसे ही आप इनहेल करते हैं, अपने नॉस्ट्रिल्स में एंटर होने वाली एयर की कूलनेस को फील करें। जैसे ही आप एक्सहेल करते हैं, अम्माई और इन्हें अपने बॉडी से निकलने वाली अपनी ब्रेथ की वार्मथ को फील करें। आपका माइंड अनिवार्य रूप से वांडर करेगा, थॉट्स, वरीज या प्लान्स में कॉट हो जाएगा। ये परफेक्टली ओके है, डोंट जज योरसेल्फ, सिंपली उस थॉट को एक्नॉलेज करें, करार करें और जेंटली अपने अटेंशन को अपनी ब्रेथ पर वापस गाइड करें। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आप पाएंगे कि आप अपने थॉट्स को बिना उनके द्वारा कैरी अवे हुए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। याद रखें, गोल थॉट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करना नहीं है, गोल है अपने थॉट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को चेंज करना। जैसे जैसे आप डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन की इस प्रैक्टिस में मास्टर होते जाते हैं, आप पाएंगे कि आपका माइंड कालमर, मोर पीसफुल और पॉजिटिव चेंज के प्रति मोर रिसेप्टिव होता जाता है। द यूनिवर्स को एनर्जी के एक वास्ट ओशन के रूप में इमेजिन करें जो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग कर रहा है, लाइफ फोर्स के साथ पल्सेटिंग कर रहा है। हर थॉट, हर इमोशन, हर डिजायर जो हम होल्ड करते हैं, इस ओशन में एक रिपल भेजता है, एनर्जी की वेव्स क्रिएट करता है जो इंट्रैक्ट और इंटरक्लाइन करता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सजेस्ट करता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम जॉय, अबंडेंस और ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशंस इमिट करते हैं तो हम उन एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं जो उन फ्रीक्वेंसीज के साथ रेजोनेट करते हैं। कन्वर्सली, अगर हम नेगेटिविटी, फियर या स्कैर्सिटी में ड्वेल करते हैं तो हम उन सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं जो उन इमोशंस को मिरर करते हैं। तो हम कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को अपने ड्रीम्स के साथ कैसे अलाइन करेंगे, अपनी डिजायर्स को टेंजिबल रियलिटीज में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। पहला स्टेप है इस बारे में क्लैरिटी गेन करना कि हम ट्रूली क्या चाहते हैं। अक्सर हम ऑटो पायलट पर लाइफ से गुजरते हैं, कॉन्शियसली अपनी रियलिटी को क्रिएट करने के बजाय सर्कमस्टांसिस पर रिएक्ट करते हैं। अपने डीपेस्ट एस्पिरेशन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ टाइम लगता है। आपको क्या जॉय देता है, किस बारे में पैशनेट हैं, आप दुनिया पर किस तरह का इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। एक बार जब आपके पास आपके डिसनेक्स आउटेक्टिंग्स उनका एक क्लियर विजन हो जाता है तो ये अनवेवरिंग बिलीफ को कल्टीवेट करने का टाइम है। डाउट एक रिपेलेंट की तरह एक्ट करता है, उन चीज़ों को ही दूर पुश करता है जिन्हें हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अपने बींग के हर फाइबर के साथ बिलीव करें कि आपके ड्रीम्स पॉसिबल हैं। विजुलाइज करें कि आप ऑलरेडी अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। इंगेज ऑल योर सेंसेस। ग्रेटिट्यूड अबंडेंस के लिए एक पावरफुल मैग्नेट है।
जब हम उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हम अपना फोकस लैक की जगह से अबंडेंस की जगह पर शिफ्ट करते हैं। फाइनली इंस्पायर्ड एक्शन, यूनिवर्स लव्स एक्शन। छोटी शुरुआत, ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स एंड सेलिब्रेट ईच माइलस्टोन अलोंग द वे। ट्रस्ट द प्रोसेस and never give up on your dreams. Life ki tapestry mein hum aksar khud ko yesterday aur tomorrow ke threads mein itna consume paate hain ki hum the present moment ki intricate beauty ko appreciate karna bhool jaate hain. Hum fleeting desires ke piche bhagte hain, apne minds ko ek aise future mein aage race karne dete hain jo keval hamari imagination mein exist karta hai. Hum past regrets se chipke rehte hain, ओल्ड वूंड्स को रिप्ले करते रहते हैं और यस्टरडे का वेट अपने शोल्डर्स पे कैरी करते रहते हैं. लेकिन ट्रू पीस, ट्रू जॉय, ट्रू लिबरेशन एल्यूसिव टुमारोज़ की पर्सूट में या बायगॉन यस्टरडेज के लिमिटेशन में नहीं, बल्कि द नाउ के एम्ब्रेस में निहित है. द प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे पास ट्रूली है. यही एकमात्र स्पेस है जहाँ लाइफ अनफोल्ड्स होती है, जहाँ एक्सपीरियंसेस को सेवर किया जाता है, जहाँ कनेक्शंस आर फॉर्ज्ड होते हैं. जब हम खुद को द प्रेजेंट में एंकर करना सीख जाते हैं तो हम वरी, एंग्जाइटी और रिग्रेट के शैकल्स से ब्रेक फ्री हो जाते हैं. द पास्ट अपनी ट्रायम्फ्स और ट्रिबुलेशंस के साथ चला गया है. द फ्यूचर अपनी इनफिनिट पॉसिबिलिटीज के साथ येट टू बी रिटन है. द प्रेजेंट मोमेंट ही वह जगह है जहाँ लाइफ ट्रूली हैपेंस होती है. एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट, सेवर द सिंपल जॉयज दैट सराउंड यू. जैसे ही हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उन हैबिट्स का एक्सप्लोरेशन कंक्लूड करते हैं जो इसकी इफेक्टिवनेस को हिंडर करती हैं, मैं आपको सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर एम्बार्क करने के लिए इन्वाइट करता हूँ. Break free from the shackles of limiting beliefs and embrace the infinite possibilities that await you. Yaad rakhiye, aap circumstance ke victim nahi ho, aap ek powerful creator hain jo apni dreams ko reality mein manifest karne mein capable hai. Transform your life by breaking free from these habits. Embrace the power of the law of attraction to manifest your dreams. Subscribe to our channel, like this video, and share your journey with us. Let's create a life of abundance, peace, and joy together.